आप सबों को मेरा झारखंडी जोहार। आज जो हमारे झारखंड राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या है, समस्या यह है कि हमारा झारखंड राज्य लगभग 21 से 22 साल होने को है और आज तक यहाँ का स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर आए दिन चर्चा आम है। देखिए, यहाँ पर 1932 और 64 का खतियान आधारित जो आए दिन यहाँ पर चर्चा हो रही है, मेरे सोच के अनुसार यहाँ पे जो है 1932 और 64 का खतियान तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो है यहाँ जाति आधारित, सांस्कृतिक आधारित भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1932 और 64 के खतियान बहुत सारे बाहरी लोगों के पास भी है, बाहरी बोला जाए तो अन्य राज्य के लोगों के पास है। भारत जो है एक राज्यों का संघ है और राज्यों का संघ है, इसमें संविधान में दिया हुआ कि भारत के हर राज्य में कहीं भी आप कमाने खाने और अपना जीविका उपार्जन कर सकते हैं। यहाँ कोई जाति का, कोई धर्म का ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर राज्य की अपनी एक शक्ति है, वो संविधान दिया है, हर राज्य की अपनी एक शक्ति दिया हुआ, और उस शक्ति के अनुसार जो आप अपना जब एक हक लेगा, वो जब झारखंड लड़के अपना हक लिया है तो उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारे वहाँ के निवासियों का, वहाँ के स्थानीय निवासियों का, वहाँ के मूल निवासियों को रोजी रोजगार सुनिश्चित करने का जो है सरकार को अधिकार है, और वहाँ के वासियों को भी उसका माने लेने का अधिकार बनता है। क्योंकि यहाँ के जो बसिंदा, यहाँ के जो मूल निवासी है, यहाँ के जो झारखंडी है, मूल लोग जो है यहाँ लड़के झारखंड लिया है, अपने हक अधिकार जो है खून पसीना बहा के लिया है, यहाँ के जितने सारे लोग जो है माने क्या बोलिएगा, हक अधिकार ऐसा लिया है कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाई लिखाई छूट गया माने, और यहाँ वहाँ बहुत सारा केस मुकदमा भी लड़ा जिसके कारण जो है शिक्षा से भी वंचित हो गया। जब इतना सारा हमारा झारखंडियों का चला गया तो यहाँ जो जब बना है झारखंड, तो यहाँ पर जो है बना है तो हमको हक मिलना ही चाहिए, यहाँ का नियोजन नीति, यहाँ का स्थानीय नीति होना चाहिए। लेकिन 1932 जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 1932 और 64 का खतियान वैसे लोगों का भी है जो अन्य राज्य से आए हुए हैं। जिस तरह ब्रिटिश सरकार जब पहले था 1932 का पहले, तो 1932 का खतियान जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया, और उस समय ब्रिटिश सरकार के साथ में बाहरी लोग जैसे कि अन्य राज्य के लोग भी आए ब्रिटिश सरकार के साथ, और यहाँ पे जो है अपना जो है माने नौकरी किए या ब्रिटिश सरकार के साथ रहे, और अपना धन अर्जन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे जगह जमीन लिए और 1932-64 का खतियान भी बनाए। बहुत सारे अन्य राज्य के लोग आए जो यहाँ पर व्यापार भी किए और व्यापार करके बहुत सारा धन संपत्ति बनाए। धन संपत्ति इसलिए बनाए क्योंकि हमारा जो झारखंड राज्य, यहाँ का खनिज संपदा जो है 40% से भी ज़्यादा, पूरा भारत का जो सबसे ज़्यादा आपका 40% जो खनिज संपदा हमारे झारखंड में है, तो क्यों नहीं बाहर के लोग यहाँ चरघा बनने आएंगे, हमारा झारखंड को चरघा बना दिए। चरघा बनाने के बाद हमारे यहाँ के मूल जो जाति है, आपका एसटी में बहुत सारे जाति है जो टाइटल आधारित है, जो टाइटल आधारित पर भी होना चाहिए, जाति आधारित पर भी होना चाहिए, एससी का भी उस तरह के हो सकते, बाहर के हो सकते, लेकिन झारखंड में जो है जो मेन जो जाति है हाड़ी घासी डोम चमार, एसटी में भी बहुत सारा जाति है जो टाइटल आधारित भी होना चाहिए, उससे समझ में आएगा कि ये झारखंडी है। टाइटल से ही पता चलता है और जाति से ही पता चलता है कि ये झारखंड के लोग हैं। 1964-32 का खतियान में हो सकता भूल होगा क्योंकि बाहरी लोग हैं, लेकिन टाइटल पर जो है, जाति पर जो है भूल नहीं होगा और संस्कृति पर भूल नहीं होगा, क्योंकि हमारा झारखंड के जो भी वासी है, यहाँ के मूल निवासी, वो कृषि आधारित पूजा में विश्वास रखते हैं, वो प्राकृतिक पूजक है, खेत खलिहान और पेड़ पहाड़ का पूजक है, और वैसे ही जाति, वैसे ही समुदाय के लोगों को ही जो है झारखंडी का दर्जा मिलना चाहिए, और वैसे लोगों को यहाँ का सरकारी लाभ का माने उपयोग होना चाहिए, उनको सुविधा मिलना चाहिए। आज देखिएगा हमारे झारखंड का जो सरकार है, विडम्बना इसलिए भी नहीं बना है क्योंकि हमारे हर क्षेत्र में, हर राज्य में जो है बहुत सारे माने क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय पार्टी जो है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, यहाँ का जो जाति है, उसके साथ उनका उतना सारा ये नहीं लगा रहता, उनको उतना समझ नहीं है, इसके कारण जो है हम लोग वंचित हो जाते हैं। यहाँ का जो भी पार्टी बनता है, क्षेत्रीय जो पार्टी बनता है, उसको जो है उनका साथ देना चाहिए यहाँ के लोगों का, क्योंकि उनको यहाँ का दर्द पता है, उनको यहाँ का संस्कृति पता है, यहाँ के जो नेता है उनको यहाँ के जो जाति जो निवास कर रहे हैं झारखंड स्थल पर, जो पहले तो इसे छोटा नागपुर भी कहा जाता था, तो कहा नहीं जाता, छोटा नागपुर है भी, अब लड़ाई हुआ, ये हुआ, झारखंड मिला, तो यहाँ के क्षेत्र पार्टी
अभी तक 22 साल में भी कोई भी ऐसा पार्टी नहीं जो अपना बल पर या अपने दम पर माने सरकार बनी है या बनाई है। अब भी गठबंधन की सरकार है और जब भी बनी है झारखंड में माने गठबंधन के ही सरकार बना, हो सके उसके कारण भी शायद स्थानीय और निजी नीति नहीं बनी है क्योंकि उसमें भी विड़म्बना है। तो आप देखिएगा स्कूल में भी अभी कैसे हैं, जो जाति प्रमाण पत्र है बहुत सारा जो है बच्चों का रिजेक्ट हो जा रहा है। कारण STSC OBC ये तीनों, जरूरी नहीं कि ST है तो उसके पास खतियान है, उनके पास भी खतियान नहीं है, वैसे बच्चे भी छट माने सरकारी विद्यालय से वंचित हो जाएंगे। STSC OBC के बच्चों को टाइटल आधारित स्कूल से बनना चाहिए, उनको तो खुद पता होना चाहिए कि ये जो टाइटल मान लेते हैं, हसदा हो, सोरेन हो, मुंडा हो, मुर्मू है, इस तरह का 33 में 17-18 को सरकार से मान्यता मिला है, लेकिन जो टाइटल है उस टाइटल से सरकार को पता है, SC का टाइटल, OBC का टाइटल, यहाँ का कुम्हार कमार, हड़ी घासी डोम टेमर, ये जो टाइटल है इस तरह का, इसका जो टाइटल है जो वो टाइटल से ही यहाँ के अगर जो सही में क्षेत्रीय नेता है उनको पता है, हमारे मुख्यमंत्री को भी पता है कि यहाँ के टाइटल किस तरह का है, उनको पता होना चाहिए। यहाँ के हमारे झारखंड में भी बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, उससे भी वो सहायता ले सकते हैं। टाइटल आधारित होना चाहिए, यहाँ का जो है नीति है टाइटल आधारित भी होना चाहिए, खतियान तो होना चाहिए लेकिन उसमें शायद हम लोग छटेंगे, STSC OBC के लोग छटेंगे, लेकिन शायद जाति आधारित पर हम लोग नहीं छटेंगे। जाति आधारित होना बहुत ही ज़रूरी है, उस पर क्या होगा, वो प्राकृति पूजक भी है और यहाँ झारखंडी संस्कारी, आपका रोहिन बंदना, गुरु खुंटिया, मकर और ये जो पर्व है यहाँ का, सारुल है और करम है, इस तरह का जो पर्व मनाते हैं यहाँ के जो कृषि पूजक करने वाले वही झारखंडी है, वैसे लोगों की सरकार को चिन्हित करके बनाना चाहिए। अब देखिएगा कि यहाँ जो आवास है, पहले तो इंदिरा आवास के नाम से था, अब जो सरकार, यहाँ जो सरकारी सुविधा जो है, देखिएगा खासकर हम लोग के वर्ग छंटा रहे, STSC OBC के वर्ग छंटा रहे, कैसे, क्योंकि उनके पास में जो है आवास लेने के लिए आपका जो है खतियान नहीं है, कागज नहीं है। रहा बात बहुत सारे सरकारी सुविधा है जो अपर वर्ग जो है उन लोग का शुरू से प्रखंड लेवल पर अच्छा खासा ये है, और हमारे लोग शुरू से ही कागज़ कलम पर छटाते हैं, शुरू से कागज़ कलम पर, क्योंकि हमने मैंने कागज़ कलम पर उतना मतलब सरकार जो भी सरकार आई शिक्षा के क्षेत्र में हमारा STSC को या OBC को उतना ध्यान नहीं दिया गया। आज देश आज़ाद 70 साल होने के बावजूद भी जो है जो शिक्षा का अधिकार है उससे उस पर जो है हम लोग को बहुत कम प्रतिष्ठा मिला है। आज जो है देखिएगा 8 क्लास सरकार में जो है 8 क्लास पास के बाद और उसको उस तरह का नहीं दिया जाता। अब 8 क्लास में ऐसा कौन सा नौकरी मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है, आधा अधूरा ज्ञान से हम लोग मतलब आर्थिक स्थिति खराब के चलते हम लोग मैंने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और रहा बात जितना सुविधा है कागज़ कलम पर है, लोग जाएंगे प्रखंड जाएंगे कहीं भी जाएंगे कागज़ कलम, इस कागज़ कलम के चक्कर में हमारा जो दिहाड़ी मजदूर दैनिक काम करने वाला मजदूर जो है इस कागज़ कलम के चक्कर में वो जाते नहीं हैं, और जाएंगे भी तो उनके पास कागज़ नहीं है, उसके कारण जो है आपको बहुत सा सुविधा जो है सरकारी सुविधा से वंचित हो जाते हैं। और जो है देखिएगा जीरो में है, SC का जो है जगह ज़मीन जीरो है, खाने कमाने भर है, कहीं कंपनी कहीं जो है देखिएगा लाइन किनारे या कहीं रोड किनारे में रहते हैं, उसका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, लेकिन खतियान नहीं है, कागज़ नहीं होने के कारण सरकारी सुविधा से वंचित है, और उसके कारण जो है हम लोग का शिक्षा का स्तर आप जान सकते हैं, कागज़ कलम ही सही नहीं रहेगा तो शिक्षा कहाँ से आगे बढ़ेगा।